इंडिया की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वे अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और जल्दी कर लीजिए। 2030 तक फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी के लिए 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करने वाली है। कंपनी ने फिलहाल हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे सिटीज़ में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करना शुरू भी कर दिया है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि वह अपने ईवी सेगमेंट में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को शामिल करने वाले हैं। ये जितने भी गाड़ियां होंगे उनकी इंडिया में ही डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जिसमें से फ्लिपकार्ट ने कुछ सिटीज में इन सारे व्हीकल का यूज करना शुरू भी कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने इसके लिए हीरो इलेक्ट्रिक, पियाजियो और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ कोलैबोरेशन किया है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 1400 चार्जर स्टेशन को लगाए जाएंगे। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ के लिए अपनी कुरियर सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई करने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्लिपकार्ट के इस इनिशिएटिव से देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलने वाली है, साथ ही मेक इन इंडिया को भी। इसे देखते हुए और भी ई कॉमर्स कंपनी अपने डिलीवरी सिस्टम को चेंज करने का प्रयास करेगी, जो कि एनवायरनमेंट और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा कदम हो सकता है। फिलहाल कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक की स्कूटर NYX, महिंद्रा टीरो जोर और पियाजियो की ई-एक्स्ट्रा FX इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का यूज़ कर रही है। तो इस तरह हमें देश में ई कॉमर्स कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।